हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर किसानों और जवानों के बीच टकराव भले ही थम गया हो, लेकिन यहां पुलिस की बर्बरता अब भाजपा के नेताओं को भी हजम नहीं हो रही। पंजाब के पूर्व सीएम अमरिंदर सिंह ने हरियाणा पुलिस की जमकर आलोचना की है। खनौरी बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी किसान प्रीतपाल सिंह को कथित तौर पर पुलिस कार्रवाई के दौरान गंभीर चोटें लगी। पहले उनका इलाज पीजीआई अस्पताल रोहतक चल रहा था, इसके बाद उन्हें शनिवार 24 फरवरी को पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किया गया है। प्रीतपाल के परिजनों ने हरियाणा पुलिस पर ऐसे गंभीर आरोप लगाए जिसके बाद पुलिस बैकफुट पर नजर आ रही है। वहीं हरियाणा पुलिस पर अब पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह का भी गुस्सा फूट पड़ा है। उन्होंने न सिर्फ ट्वीट कर हरियाणा सरकार से तीखे सवाल किए, बल्कि सीएम मनोहर लाल खट्टर को आरोपी पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की अपील भी की। कैप्टन अमरिंदर ने जो कुछ अपने ट्वीट में लिखा उसका हिंदी अनुवाद हम आपको पढ़कर सुनाते हैं। मैं हमारे युवा किसान प्रीतपाल सिंह पर हरियाणा पुलिस द्वारा की गई बर्बरतापूर्ण हिंसा की कड़ी निंदा करता हूं। मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री से आग्रह करता हूं कि लोगों को लंगर परोस रहे एक निहत्थे युवक को बुरी तरह पीटने के दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। कैप्टन अमरिंदर के इस ट्वीट में हरियाणा पुलिस के खिलाफ गुस्सा साफ तौर पर दिख रहा है। हरियाणा पुलिस पर आरोप है कि 30 साल के प्रीतपाल सिंह को 21 फरवरी को हरियाणा पुलिस बोरी में डालकर अपने साथ ले गई और उसे बुरी तरह पीटा गया। पीड़ित के परिजनों का दावा है कि प्रीतपाल तनाव के वक्त खनौरी सीमा पर ट्रैक्टर ट्रॉली पर लंगर बांट रहा था। वैसे अब देखना ये होगा कि मामले को लेकर हरियाणा सरकार क्या आरोपी पुलिस कर्मचारी के खिलाफ क्या एक्शन लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।